हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स बुक, जिसके राइटर हैं आरडी शर्मा और उसके पब्लिकेशन है दनपत राय पब्लिकेशन। ये बुक क्लास टेंथ के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। NTSC के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें बहुत ही ब्रीफली हर एक चैप्टर को समझाया गया है। NCERT की बुक बहुत ही टफली बुक होती है, क्योंकि इसमें बेस दिए नहीं होता है, डायरेक्ट बेस से ये हाई पे पहुंच जाते हैं। देखिए ये बुक कितनी मोटी है। NCERT की बुक लगभग इससे आधी होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम सवाल दिए गए होते हैं और इसमें बहुत कम प्रैक्टिस होती है। इसमें बहुत से सवाल दिए गए हैं, MCQ सवाल हैं और इसके बाद में NTSC के बहुत से क्वेश्चन हैं, जिसको लगा के आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक 10th एडिशन की है, जो कि 2017 की है। इसके बाद में हम आपको इसका नया एडिशन का भी रिव्यू कराएंगे। ये 10th एडिशन की बुक है। अब हम इस बुक के कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस बुक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में लेकिन बोर्ड का पेपर जो होगा वो इस बार ओनली एक बार होगा, फाइनल में एक बार होगा। पिछली साल कोरोना की वजह से बोर्ड के पेपर दो बार में हुए थे, लेकिन इस बार पेपर ओनली वन बार होगा, इसलिए ये सारा सिलेबस आपको एक बार ही पढ़ना है। इस चैप्टर इसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। NCERT में भी पहला चैप्टर है, इसमें भी ये पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर इसमें देखिए 1.1 से लेकर 1.63 तक दिया गया है, बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये भी 2.1 से लेकर 2.67 बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है, क्योंकि देखिए NCERT में बहुत ही कम दिया गया है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल इसमें बहुत टफ है, क्योंकि पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा ये सब आ गया है और क्लास 9 में ये सब नहीं था, जिससे कि बच्चों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ब्रीफली दिया गया है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ट्रायंगल ये भी बहुत ब्रीफली दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी यार, क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री एक बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ाई जाती है और बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें साइन कॉस टैन ये सब आ जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती है। इसीलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जबकि NCERT में ट्रिग्नोमेट्री का ओनली वन चैप्टर है, उसमें भी 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स भी है और इसमें देखिए प्रैक्टिस पेपर भी हैं। फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिस पेपर अलग से है, समेटिव असेसमेंट, और सेकेंड टर्म का प्रैक्टिस पेपर अलग से है। इसके बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन को भी बहुत ब्रीफली समझाया गया है। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 10th में सर्कल भी है और चैप्टर नंबर 15th पर भी सर्कल है। इसमें सर्कल को भी बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है, जबकि NCERT में सर्कल को ओनली बहुत ही कम समझाया गया है। इसमें क्लास चैप्टर नंबर 10th और चैप्टर नंबर 15th दोनों पर बहुत ही ब्रीफली सर्कल को समझाया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सब भी है। देखिए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी बहुत ही अच्छे समझाया गया है, जबकि NCERT में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत कम एक्सरसाइज है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP ये भी क्लास 10th में बच्चों को पहली बार सीखने को मिलती है, और NCERT में इसकी बहुत कम एक्सरसाइज है। मैं NCERT को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन NCERT में बहुत कम दिया गया होता है। NCERT खुद कहता है कि आप इसके लिए अदर बुक खरीदें प्रैक्टिस के लिए, और आपको चाहिए प्रैक्टिस। यदि आप NTSC का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी होगी। और लोग RS अग्रवाल को भी बहुत अच्छी बुक मानते हैं, लेकिन क्या है, RS अग्रवाल भी NCERT की तरह है, क्योंकि RS अग्रवाल में बेस दिया गया नहीं होता है। RS अग्रवाल में डायरेक्ट बहुत हाई क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसमें एग्जांपल भी नहीं दिए होते हैं, जैसे कि बच्चों को सवाल समझ नहीं आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो बहुत ही ब्रीफली समझाए गए हैं, जिससे आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और RS अग्रवाल में बहुत ही हाई क्वेश्चन दिए जाते हैं और डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है, वो भी एक NCERT की तरह ही सब बुक है। ये बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है, आप इस बुक का यूज़ करेंगे तो NTA बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। ओलंपियाड के हुए हैं, जैसे FIIT JEE इन सब का एग्जाम होता है, इसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी होती है। चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं, रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। इसमें रियल नंबर देखिए, रियल नंबर इक्वल डिवीजन लेमा, और ये रियल नंबर यहाँ पे चल रहा है, इसके आगे देखते हैं रियल नंबर को और रिव्यू करते हैं। इसमें देखिए रियल नंबर बहुत सा दिया गया है, जबकि NCERT में रियल नंबर बहुत कम दिया गया है। अब दिखाते हैं आपको इसमें रियल नंबर कितना दिया गया है। पहले इस बुक को देखिए, ये NCERT के मुकाबले बहुत ही मोटी बुक है और रियल नंबर इसमें बहुत ही ब्रीफली दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें रियल नंबर कितना दिया गया है।
देखिए इसमें रियल नंबर इतना दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में इसके मुश्किल में 10 से 12 पेज होंगे, लेकिन यहाँ पे इसको रियल नंबर बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। इसी तरह यहाँ पे पॉलीनोमियल को ही बहुत ब्रीफली समझाया गया है। देखिए इसमें पॉलीनोमियल के कितने पेज हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसमें पॉलीनोमियल के इतने पेज दिए गए हैं, जबकि एनसीईआरटी में इसको बहुत ही कम समझाया गया है। अब आप कह रहे होंगे हम बार बार एनसीईआरटी की बहुत बुराई कर रहे हैं। देखिए हम एनसीईआरटी की कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है बच्चों को समझ नहीं आता है। और एनसीईआरटी यदि आपको सॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको एक अदर बुक की जरूरत पड़ेगी ज़रूर। यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन भी बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। अब हम बात करते हैं सीधे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम बात करते हैं इसमें ट्रायंगल की, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। देखिए यहाँ भी आपको देखिए बताते हैं इसमें कितना ट्रायंगल दिया गया है। अभी हम पेज काउंट डाउन कर रहे हैं, देखिए इसमें ट्रायंगल कितना दिया गया है। लगता है इतना तो एनसीईआरटी में 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे जितना इसमें ट्रायंगल दिया गया है। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में केवल ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल दिए गए हैं और बेस समझाया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए लेवल 1 से लेकर और हाई लेवल तक सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है अभी ऊपर देखिए, और इसके बाद में अभी चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बुक की प्राइस क्या है, चलिए इस बुक की प्राइस की बात कर लेते हैं। इस बुक की प्राइस है 445 रुपीज़। ये इसका कुछ ओल्ड एडिशन है, इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है। उस न्यू एडिशन की बुक के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।